नमस्कार दोस्तों, जिनल्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया। ये दो तरह से बनाया जाता है, तीखा या मीठा, पर आज हम मीठा वाला वर्जन ट्राई करने वाले हैं। और ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कप हमने दलिया ले लिया है, एक कप के करीब दूध ले लेंगे, आधा कप के करीब शक्कर लेंगे, 2 टेबलस्पून जितना घी लेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लेंगे गार्निशिंग के लिए, इलायची या इलायची पाउडर लेंगे और थोड़े से किशमिश ले लेंगे। अब एक पैन गरम रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। जैसे ही घी गरम हो हम इसमें दलिया डालेंगे। इस दलिये को मैंने थोड़ा सा धो लिया था पानी से, अब हम इसे सेकेंगे। इसे हम बिल्कुल ही धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पे चलाते रहे ताकि ये एकदम ही गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये अच्छे से सिक चुका है। अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें ये हमारा सेका हुआ दलिया डालेंगे और 1 ग्लास के करीब पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे गैस पे चढ़ा दें और 2 से 3 हम सीटियां कराएंगे। अब हम कुकर को अपने आप ही ठंडा होने देंगे और इसे खोलेंगे। और अब मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब हम फिर से एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम उबला हुआ दलिया डालेंगे और दलिया डालने के बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो 1 कप जितना दूध डाल दिया है मैंने इसमें और इसे अच्छे से मिलाएंगे। जैसे ही दूध उबलता जाएगा वैसे ये थोड़ा गाढ़ा होते जाएगा और इसमें 1/2 कप जितनी चीनी डालेंगे और इलायची डालेंगे। अब इन सारी चीजों को हम मिला लेंगे। अब हमें दूध का 1 उबाल आने तक इसे पकाना है। तो इसे चलाते रहें। तो देखिए 1 उबाल आ चुका है, तो अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो हमारा दलिया तैयार है। आप इसे गरम गरम सर्व करें या आप फ्रिज में रख के ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश कर लिया है। तो आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।